आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का होल्ड कमजोर हो गया है? क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच तनातनी का फायदा असदुद्दीन ओवैसी उठाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या पार्टी में अखिलेश यादव का होल्ड इतना कमजोर हो गया है कि जेल में बंद आजम खान के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं? ये तमाम सवाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चर्चा में हैं। एक तरफ बीजेपी 80 सीटों के माइक्रो मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर कलह है और विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद और रामपुर के बाद मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा में भी सपा की स्थिति न घर की न घाट वाली हो गई है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने तो साफ कर दिया है कि उनका टिकट कटने की वजह साजिश है और वो दूसरे उम्मीदवार के लिए प्रचार तक नहीं करेंगे। एसटी हसन ने नाराजगी जताई तो असदुद्दीन ओवैसी डोरे डालने लगे। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि एसटी हसन के साथ जो हुआ वो अल्पसंख्यकों की राजनीति खत्म करने की कोशिश है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अखिलेश चाहते हैं सपा में मुस्लिम नेता दरी बिछाने और भैया पर जवानी कुर्बान करने तक ही सीमित हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या एसटी हसन ओवैसी का सहारा लेंगे? ये जो हालात बने हैं वो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं है, सपा कई जगह मुश्किल से जूझ रही है। अमरोहा में कांग्रेस के उम्मीदवार दानिश अली का सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध कर दिया। मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में लोकल बॉडी की बगावत के बाद कैंडिडेट बदलने की नौबत आ गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अखिलेश बेबस दिख रहे हैं? क्या बार बार कैंडिडेट बदलना अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला है? और क्या चुनाव से पहले ही सपा के अंतर का घमासान बीजेपी की राह को आसान बना रहा है? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं टिकट कटने के बाद एसटी हसन ने क्या कहा। मेरी मजबूरी है कि मैं मुरादाबाद के अंदर प्रचार नहीं कर सकता। अब मजबूरी इसलिए है कि मेरे लिए जिन लोगों ने रोजे माने हैं, नफिलें मानी हैं, दरगाहों की चादरें मानी हैं, जिन लोगों के यहाँ वजीफे कुरान खानी हुई हैं, प्रार्थनाएं हुई हैं मंदिरों में, यज्ञ माने हैं, अगर मैं उन इस प्रत्याशी के साथ खड़ा हूंगा तो उनका दिल टूट जाएगा। तो आप समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है रुचि वीरा उसके लिए प्रचार नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं कर सकता। वो मुरादाबाद के नहीं है, वो बाहर से आए हुए नेता है मुरादाबाद में। उनकी साजिशों से ये सब काम हुए। अखिलेश जी ने तो आखिर वक्त तक चाहा था कि मैं चुनाव लड़ूं। तो इस वक्त टिकटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है और ये वो सीटें हैं जहां पहले चरण में चुनाव होना है, वहां इस तरीके की नाराजगी, इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सबके बीच ओवैसी साहब की भी एंट्री हो गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, शलभमणि त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता RLD, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और थोड़ी देर में AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सुनील साजन जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। क्या वाकई समाजवादी पार्टी के अंदर अब मुसलमानों का काम दरी बिछाने का रह गया है और क्या वाकई में उन्हें जवानी अब भैया पर कुर्बान करनी पड़ेगी? प्राची जी, क्या आपको ऐसा लगता है? और मुझे लगता है कि जो लोग भी राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, किसी एजेंडे पे नहीं बात करना चाहते या कोई एजेंडा नहीं चलाना चाहते, तो वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ताकत को महसूस कर रहे हैं। आप भाजपा के किसी व्यक्ति से पूछिए समाजवादी पार्टी क्या है। भाजपा जो कह रही है हम 400 पार जा रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश में क्यों डर लग रहा है? जो लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप कह रही हैं कि हमारे यहां घमासान है, चलिए हम मान लेते हैं हमारे यहां घमासान है। भारतीय जनता पार्टी में कोई घमासान नहीं है, कोई विरोध नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, यहां आखिरी तक लोग टिकट मांगते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में है, अगर सलभ जी को एक बार कह दिया गया कि नहीं टिकट नहीं, तो ये आज हमारे साथ बैठे हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन दोबारा ये अपनी पार्टी में हिम्मत नहीं कर सकते कि हम पर विचार कर लिया जाए। हमारे यहां नेता वर्कर अपने नेता से लड़ता है, आखिरी तक लड़ता है, लेकिन अंत में जो फैसला हो जाता है उस फैसले पर वो टिक करके पार्टी की मदद करता है, चुनाव प्रचार करता है और भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगाता है। सुनील जी, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था कि यहाँ तो अंत तक भी ये फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने सुना नहीं अभी एसटी हसन साहब को, आपके मौजूदा सांसद हैं और वो साफ कह रहे हैं कि मैं रुचि वीरा के लिए प्रचार नहीं करूंगा, इससे मेरे समर्थक नाराज होंगे जिन्होंने मेरे लिए दुआएं पढ़ी थी। अब ये आपको लग रहा है सब ठीक हो गया है मुरादाबाद में?
ठीक बात है, अब एक जगह प्रचार नहीं करेंगे, बाकी दूसरी जगह प्रचार करेंगे पार्टी का। पार्टी के नेता हैं, सांसद रहे हैं, तो सांसद भी तो पार्टी ने बनाया है। और उन्होंने एक बात कही कि पार्टी लड़ाना चाहती थी, तो उनको नेता से कोई शिकायत नहीं। परिस्थितियां हैं राजनीति में, कभी टिकट मिल जाता है, कभी टिकट कट जाता है। लेकिन जो हमारे दल में कुछ सीटों पर बदलाव भी हो रहे हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक एक सीट की समीक्षा करके कि कैसे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट पे हराया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपके ये पॉइंट को मैं मान लेती हूँ। अब आप मुझे बताइए, मुरादाबाद में ऐसी क्या समीक्षा की गई आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, कि वो एस टी हसन साहब जो आखिरी वक्त तक ये कह रहे हैं कि मुझे अखिलेश यादव आश्वासन देते रहे कि आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत करिए, आप ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर देखिए खेल हो गया, उन्हें सिंबल नहीं मिल पाया पार्टी का, रुचि वीरा आपकी ऑफिशियल कैंडिडेट हो गई, तो आखिरी वक्त तक तय नहीं कर पा रहे ना, ये कैसी समीक्षा है? जी जी बोलिए बोलिए प्राची जी, सभी दलों की अपनी अपनी समीक्षा होती है। अब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे पीलीभीत में कौन सी समीक्षा की कि वरुण गांधी की टिकट काट दी, वो भी तो सिटिंग एमपी है ना, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और भी कई सिटिंग एमपीओं के टिकट काटने जा रहे हैं, वहां कौन सी समीक्षा की? तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में समीक्षा हुई है। ये पार्टी का फैसला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, उस पर कोई बहस नहीं है। नहीं, उन्हीं के फैसले का जो भरोसा है वो एसटी हसन साहब भी दे रहे हैं, और इसलिए शायद ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों का काम सिर्फ दरी बिछाना रह गया है समाजवादी पार्टी के अंदर, और भैया पर जवानी कुर्बान करने जैसा रह गया है। एसटी हसन को आखिरी वक्त तक आप ये आश्वासन देते रहे, वो 3 बजे तक इस भरोसे में बैठे रहे कि शायद उन्हें लेटर मिल जाएगा, और आखिर में उनके हाथ में मायूसी लगती है। अच्छा प्राची जी, जब एसटी हसन साहब को पिछली बार समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, तो ओवैसी साहब ने क्या कहा था कि ये बहुत शानदार कार्यक्रम है, बहुत शानदार फैसला है? क्योंकि उनको वही बात करनी है जो भारतीय जनता पार्टी से लिख करके उनको मिल जाता है, वही वो बोल देते हैं, वही वो ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, अरे आप आओ ना, ओवैसी जैसे नेता जुड़ गए हैं मेरे साथ, वारिस पठान साहब जुड़ गए हैं, वो आपके जवाब, आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन एक छोटा सा अंतर बता देती हूँ, आप बार बार कह रहे हैं ना सुनील सिंह यादव जी, और पार्टियों में भी होता है टिकटों को लेकर ऐसा ही घमासान होता है, लेकिन दो दो कैंडिडेट एक साथ नामांकन नहीं भरते और उसके बाद कोई एक का टिकट नहीं करता और उसके चेहरे पर ऐसी मायूसी नजर नहीं आती है। अब मैं वारिस पठान जी से जवाब ले लूं। वारिस पठान जी, सुनील सिंह यादव कह रहे हैं ये एजेंडा चलाया जा रहा है, आप वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो बीजेपी ने आपको लिख कर दी है? देखिए प्राची जी, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी आप विधानसभा का चुनाव गया उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने हमने सबने देखा कि 83% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया, भर भर के वोट लिया समाजवादी ने, डरा डरा के लिया कि नहीं आप अगर MIM को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, मगर बीजेपी तो जीत गए, हमको तो वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया, आप तो 14 में हारे, 17 में हारे, 19, 22 लाइन से आप हारते गए, मगर फिर भी लोगों ने सबर रखा, आपको वोट दिया मुसलमानों ने। मगर आज जहां मुसलमान बहुमूल्य सीट है वहां पर आपने क्या कर दिया बताइए? एसटी हसन साहब को तो आपने बिल्कुल, ये अगर भाषा में मैं कहूं तो एक अच्छा भी नहीं लगता बोलने का, कि आपने तो उनको सरासर बेवकूफ बना दिया। वो रुकते गए, वेट कर दिए, और आपने जाके दूसरे को टिकट दे दिया, उन्होंने फाइल भी कर दिया, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी हो गया और ये बेचारे रह गए। तो क्या अब हम यही बोलना चाहते हैं ना? हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने तो ये कहा कि हमको एसटी हसन साहब पहले मिले थे, हमने कहा था कि आपको टिकट नहीं देंगे, ये लोग हसन साहब, ये लोगों का चेहरा पूरी दुनिया देश के सामने ओपन हो चुका है, इनका जो सेक्युलरिज्म का झूठा नकाब है ना, ये पूरे देश के सामने आ चुका है, यानी अब ये मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखेंगे, भैया जी पे जान कुर्बान कर देने के लिए करेंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आ जाएगी वहां नहीं, नहीं मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, इनका वोट तो हमारी जागीर है ना, ये कहां जाएंगे, तो हम ही को वोट देंगे ना। लेकिन नहीं, वक्त बदल चुका है और आने वाले दिनों में आप खुद प्राची जी हम सब देखेंगे कि किस तरह से देश का एक अहम हिस्सा है मुसलमान, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करके थ्रो नहीं कर सकते। आप तो वारिस पठान जी, आपकी नजरों में जो ज्यादती एसटी हसन साहब के साथ हुई है और आने वाले पीढ़ी का, आपकी नजर में जो ज्यादती एसटी हसन साहब के साथ हुई है, उस ज्यादती को दुरुस्त करने के लिए क्या कोई बड़ी भूमिका निभाएगी या AIMIM आपकी कोई पार्टी समर्थन करेगी क्या एसटी हसन साहब का? ये देखिए,
देखिए प्राची जी, बात यह कि हमारी जो पार्टी के वहाँ के सदर है शौकत साहब, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन उवैसी साहब, सबने मिल के डिस्कशन किया है, लिस्ट बनाई है, गौर विचार करने के बाद उतारा जाता है ना। ये या तो सीधा हो जाएगा, हमने छोड़ा ना, चीरे लड़िए, हराइए ना, हरा के दिखाओ बीजेपी को, चलो हराओ ना, फिर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते खड़े होंगे तो बी टी में सिटी मरे, ए से लेके जेड तक बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग तो पूरी तरह एक्सपोज हो गए, ये किस तरह किस दिशा में आप लेके जाना चाहेंगे? आपको मुसलमानों के वोट भी चाहिए और हर पार्टी का यही हो रहा है। ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी का जो गठबंधन भी बन गया है ना प्राचीन जी, हर जगह चाहे महाराष्ट्र हो, ये हो, सब जगह देखने को एक ही चीज मिल रही है, बस इनको मुसलमानों के 90% वोट चाहिए, मगर करना कुछ नहीं है। महाराष्ट्र का भी आलम यही है, एक भी मुसलमानों को डिक्लेयर ही नहीं करते लोग। अरे इनको इतनी नफरत क्या है मुसलमानों से, मैं तो ये पूछना चाहूंगा। सुनील जी, अब जवाब दे दीजिए, बड़ा सीधा आरोप लगा रहे हैं इस गठबंधन को, ऐसे हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो चुनौती दे रहे हैं, हरा के तो दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए 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 प्राची जी, हम कैसे हराएंगे ये हमारी रणनीति है। हम ये बात इनको बता दें या बीजेपी को बता दें, एक ही बात है। इनसे पूछिए रामपुर कौन लड़ रहा है, कोई हिंदू लड़ रहा है क्या? संभल कौन लड़ रहा है, कोई हिंदू लड़ रहा है क्या? और आपसे पूछ के टिकट देंगे क्या? आप, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 80%, हमको उत्तर प्रदेश में 100% मुसलमान वोट देता है। आप कहां खड़े हैं? आप कौन हैं? आप क्या हैं? और आप क्या करते हो उसके साथ? आपका क्या है? तो आप बीजेपी, आप क्या करते हो 100% वोट लेने के बाद उसको गरीब बिछाने के लिए रखते हो, हाजी नाजी गुलामी करने के लिए रखते हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करते, उसको भी जो नहीं देते, आपका भी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी आपकी नजर में, वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। आप हैदराबाद में इसी वजह से 14, 17, 19, 22 हारते गए, हराने की ताकत नहीं है, सुनिए, हराने की ताकत नहीं है। आप लोगों में इल्जाम हम पे डालते हो, स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, ये सारे इल्जाम बेबुनियाद लगाते हैं, लेकिन आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है आपके पास इल्जाम लगाने के लिए। अब तो भी नहीं बचा है, अब तो पब्लिक ने देख ली, जनता ने देख लिया कि बस इल्जामबाजी के सिवा कुछ कड़वी होती तो आपको कड़वी बात लग रही होगी कि आपका भी पदाधिकारी यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, सच्चाई कड़वी है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है क्या हो रहा है वहाँ पर। यादव जी, आप इसे पार्टी का लोकतंत्र बताएं, लेकिन आगे आपसे समझूंगी जरूर ये पार्टी का लोकतंत्र किस प्रकार है कि दो कैंडिडेट एक साथ चुनावी मैदान में आते हैं और बाद में फैसला आता है कि एक का कैंसिल हुआ, एक ने अभी तक नामांकन वापस नहीं लिया, इस कंफ्यूजन से कैसे आप पार पाएंगे? शलमणि त्रिपाठी जी को चर्चा में ले आते हैं। शलमणि त्रिपाठी जी, सुनील सिंह यादव जी भी आप पर हमलावर है बैठते ही, वो कह रहे हैं क्या नया हो रहा है, हमारी पार्टी का ये लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सब में इतनी हिम्मत है कि अपनी बात रख सकते हैं, हम चुनावी मैदान में आ सकते हैं, आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ सब बड़ा स्ट्रिक्ट है। देखिए, लोकतंत्र की बात की सुनील जी ने और मुस्लिम वोटों की बात की सुनील जी ने। प्राची जी देखिए, लोकतंत्र तो कितना खूबसूरत है समाजवादी पार्टी में कि धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ेंगे, डिंपल जी भी चुनाव लड़ेंगी, शिवपाल जी भी चुनाव लड़ेंगे, आदित्य जी भी चुनाव लड़ने की फहरिस्त में है, तेज प्रताप जी और न जाने कौन कौन चुनाव लड़ते रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि सुनील सिंह यादव कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी मशक्कत कर लें, लेकिन सुनील सिंह यादव जी के आगे केयर ऑफ जो है अखिलेश यादव परिवार नहीं दिखा, तो इनकी इनकी ऊंचाई का एक कद होगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो सबको पता है। कोई लोकतंत्र तो है ही नहीं, वहां पर तो एक परिवार चलाता है, एक दल पूरा एक खानदान से चलता है, और इसीलिए धर्मेंद्र यादव भले आजमगढ़ से चुनाव हार जाए लेकिन उनकी कोई समीक्षा नहीं होगी। टिकट किसका कटेगा? एसटी हसन साहब का कटेगा, क्योंकि वो चुनाव जीत गया फिर भी एसटी हसन का टिकट काट दिया, लेकिन धर्मेंद्र यादव चुनाव हार के आए उनका टिकट नहीं कट। शिवपाल यादव का भले चुनाव हार जाए उनका टिकट नहीं कट सकता, क्योंकि ये लोग तो मालिक है, टिकट बांटने वाले लोग हैं। सुनील जी ने बड़े गर्व के साथ कहा मुसलमान ने हमको इतना 100% वोट दिया, अरे आपने मुसलमान को क्या दिया? और यही बात तो मुस्लिम समाज आज समझ रहा है। आपने अपने अध्यक्षों की फहरिस्त उठाकर देख लीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी में आपने कभी किसी मुस्लिम को आपने पार्टी की कमान दी? अगर मुसलमान ने आपको इतना वोट दिया तो आपने कोई नेतृत्व तो दिया आज तक उसको? आजम खान की चिट्ठी भी तो आपके लिए आई हुई है, आजम खान ने बहुत लंबी चिट्ठी लिखी है और चुनाव का बहिष्कार भी किया है, तकलीफ भी अपनी दिखाई है। एस टी हसन साहब ने भी अपनी तकलीफ अपना दर्द दिखा दिया। तो आज देश का मुसलमान और प्रदेश का मुसलमान इस बात को समझ चुका कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और चाहे हमारे AIMM के साथी हो, केवल उपयोग करते हैं कि लाठी खानी हो। लेकिन टिकट वितरण में तो आपने भी कई जीते हुए सांसदों का टिकट काटा है ना, आपका भी तो कोई क्राइटेरिया रहा होगा, आपने भी जीते हुए को तरजीह ना देकर नए चेहरों पर उम्मीद जताई है। ये अधिकार है, ये समाजवादी पार्टी का भी अधिकार है, कांग्रेस का भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। मैं तो सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूँ कि एसटी हसन साहब का टिकट नहीं कट गया, वो सिटिंग एमपी थे, और धर्मेंद्र यादव जी पता है यहाँ से आजमगढ़ से चुनाव हारे,
उसके पहले बदायूं से चुनाव हारे, आप उनका टिकट तो नहीं काट पाए। मतलब सोचिए, बदायूं भी हारे उसके बाद आजमगढ़ भेज दिया, आजमगढ़ से कोई ताल्लुक नहीं धर्मेंद्र यादव का, कहां बदायूं कहां आजमगढ़। लेकिन किस प्रकार से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पीडीए, बार बार पीडीए पीडीए कहते, जरा इनसे पूछिए प्राची जी कि राज्यसभा में अभी जो सीटें भेजी इन्होंने, राज्यसभा में एक भी मुसलमान को अपना उम्मीदवार बनाया? जब राज्यसभा के इन्होंने उम्मीदवार तय किए, एक भी मुसलमान को नहीं बनाया। और दुनिया भर की बातें करेंगे बीजेपी मुसलमानों के साथ ये करती फला ये करते, तो दरअसल आप तो ऐसा उपयोग कर रहे हैं उनको यूज एंड थ्रो की तरह कि आज देश का मुसलमान। देखिए सुनील सिंह यादव जी, मुसलमान विरोधी आप हैं, ये आरोप अब भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है। अभी तक जो आरोप आप उन पर लगाया करते थे वो आप पर लगा रहे हैं। वजह एसटी हसन साहब है जिनका टिकट आपने काट दिया आखिरी वक्त तक उनके पीठ पर हाथ रखते हुए। देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी ना मुसलमान विरोधी है, समाजवादी पार्टी ना हिंदू विरोधी है, ना हम दलित विरोधी हैं, ना पिछड़ा विरोधी है, ना आगड़ा विरोधी है। हाँ, हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी में प्राथमिकता पीडीए है और ये लोग पीडीए की परिभाषा बदलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए की असली परिभाषा क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। वो जो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर पिछड़ गए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़ गए हैं, राजनीतिक तौर पर पिछड़ गए, या शैक्षिक तौर पर पिछड़ गए, या धार्मिक तौर पर पिछड़ गए, हम उनको बराबरी की बात कर रहे हैं, उनको बराबरी के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें यह लिखा है कि समाजवादी व्यवस्था से देश चलेगा। और समाजवादी शब्द सुनकर के ही कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो अगर समाजवादी नाम से, समाजवादी व्यवस्था से आपको चिढ़ है, तो आपको फिर भारतीय संविधान से कैसे मोहब्बत हो सकती है? भारतीय संविधान आपको कैसा अच्छा लग सकता है? देखिए सुनील सिंह यादव जी, मैं बात एसटी हसन पर पूछ रही हूँ और आप जवाब अपनी पार्टी की विचारधारा पर मुझे दे रहे हैं। सरकार में पिछड़े और दलितों की कितनी नौकरियां छीनी गई हैं? सुनील सिंह यादव जी, उनसे जो पूछना है मैं पूछती रहूंगी, लेकिन अभी मुझे पूछना है कि जो एसटी हसन साहब बोल रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? आप बताइए ना, इतनी कंफ्यूजन में आप लोग क्यों थे? मुस्लिम बाहुल्य सीट पर एसटी हसन साहब कह रहे हैं जीतता तो मुस्लिम ही है, आजादी के बाद सिर्फ एक गैर मुस्लिम जीता है, आपने इग्नोर की उनकी बात। देखिए देखिए प्राची जी, जी ये लोकतंत्र है और पार्टियों के अपने अपने अधिकार हैं। हाँ। और पार्टी ही सबसे बड़ी चीज होती है, पार्टी, सिंबल, नेता और विचारधारा। तो मुझे लगता है अभी एसटी हसन साहब कि नाराजगी हो सकती है क्योंकि अभी टिकट कटा है उनका, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी से नाराज है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो माननीय अखिलेश यादव जी से नाराज हैं। वो देर सवेर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, पार्टी के नेता हैं और अपनी जितनी उनकी वो ताकत तो ये भी है, कह रहे हैं ना, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वो तो कह रहे हैं साजिश हो गई उनके खिलाफ, कह रहे हैं अखिलेश यादव आखिरी वक्त तक चाहते थे, कोशिश की उन्होंने कि उनका टिकट ना कटे। बताइए, अध्यक्ष भी कोशिश कर रहा है उसके बावजूद टिकट कट गया, तो काहे का लोकतंत्र है सुनील सिंह यादव जी? यही तो लोकतंत्र है, और क्या लोकतंत्र है? राजशाही थोड़े है, हमारे नेता राजा थोड़े ही, उन्होंने कहा कि हमने फैसला ले लिया, अंतिम फैसला है। यहां लोगों की सुनी जाती है, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, समर्थकों की सुनी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। दे दीजिए जवाब कि नहीं रहा, वो तो दो लोगों ने फैसला कर लिया पूरे देश का, जिसको रहना हो रहे, जिसको ना रहना हो ना रहे। ये पार्टी कैडर बेस पार्टी है। अब सुन लीजिए, बड़े गौर से इन्होंने कहा कि सुनिए सुनिए, अभी मैं सुनील साहब की बात सुन रहा था, इन्होंने बड़े फकर के साथ कहा कि 80% नहीं वारिस भाई, 100% मुसलमान हमको वोट देता है। चलो देता है, आप क्या करते हो 100% वोट लेकर उनके बारे में? क्या आपने राज्यसभा के अंदर भी, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोई मुसलमान चेहरा नहीं दिखा जिसको आप बेच सकते? और अब तो इनका एंटी मुस्लिम चेहरा यहां तक पहुंच गया है प्राची जी, कि पहले जो MY फैक्टर चलता था ना, जिसको हम समझते थे मुस्लिम यादव, अब तो M के अंदर मुस्लिम हट गया, अब अखिलेश जी खुद बन रहे, वो M महिला हो गया है, यादव हो गया, मतलब मुस्लिम का फैक्टर भी खत्म। तो फिर किस तरह से आप बोलते हो कि आप मुसलमानों के हित के अंदर बात करते हो, कि आपको मुसलमानों से नफरत नहीं? जिसका नतीजा ये है कि आज आपका सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो था एसटी हसन, वो मीडिया के सामने आकर बोल रहा है कि मैं समाजवादी की कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग नहीं करूंगा। आजम खान का पूरे परिवार को आपने जेल में डाल दिया जब बीजेपी ने,
क्या किया आपने उनको बचाने के लिए? चलिए बचाइए, आजम खान जी तो मेन रीढ़ की हड्डी थे ना समाजवादी पार्टी की, पूरा परिवार जेल में डाल दिया, उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं आप। आज आजम खान को लेटर निकालना पड़ा ये बोलने के लिए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के रामपुर के अंदर जवाब दीजिएगा, उसका बहिष्कार कर रहे हैं हम, तो क्यों ये नौबत आई है? चलिए बताइए, बताइए आपने आजम खान के लिए क्या किया, उनकी नाराजगी इस तरह की नौबत आपकी वजह से आती है क्योंकि आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप मुस्लिम विरोधी पार्टी हो। बोलिए बोलिए सुनिए। आजम साहब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र कर रही है, झूठे मुकदमे लगा करके उनको और उनके पूरे परिवार को जेल में रखा है। आजम साहब पार्टी के बड़े नेता हैं और ये सच है कि उधर की दो चार पांच टिकटों पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुझाव लेने गए थे जेल में मुलाकात करके, और उसके बाद जो फैसला हुआ दोनों बड़े नेताओं के बीच वो आपके सामने है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि आजम साहब के लिए क्या किया। मुझे लगता है ये बात तो पूरा देश जान रहा है कि कौन उनको फंसा रहा है। ये दोनों ही सवाल एक है सुनील यादव जी, ये पूछ रहे हैं आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंशिएट मत करिए। वारिस पठान जी ने दो सवाल पूछे कि आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनका वोट आप पाते हैं लेकिन उन्हें जब बात आती है उम्मीदवारी देने की तो आप नहीं देते हैं, और आजम खान के लिए आपने क्या किया वो ये पूछ रहे हैं, क्या किया आपने उनके लिए, कितने आंदोलन किए उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने? इन लोगों की इन लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी है, गजनी जैसे लोग हैं ये लोग। अब बताइए इससे पहले राज्यसभा में मुस्लिम राज्यसभा गया कि नहीं, पिछली बार एमएलसी में दो दो एमएलसी मुस्लिम समाज के गए कि नहीं गए, जब हम भेज दें तो भाजपा कहेगी कि तो केवल मुसलमान की बात कर रहे हैं। इधर केवल एक से नहीं चलता है ना, केवल एक से तो नहीं चल रहा है, हम तो नहीं कह सकते ना कि यादव कितने गए या कोई दूसरे समाज का है वो कितने गए, भाई सीटें कम हैं, उन्हीं कम सीटों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी। अच्छा तो ये जरूर बता दीजिएगा, ये जरूर बता दीजिएगा कि एसटी हसन साहब की जो उम्मीदवारी थी वो आखिर क्यों, क्योंकि आखिरी वक्त तक वो आश्वासन थे और उनके बयानों में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने किया नहीं होता तो 100% वोट समाजवादी पार्टी को आजम खान पर भी बोलना था ना, उनके लिए उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आपने क्या किया, ये सवाल वारिस भाई ने आपसे पूछा था, लौटेंगे आपके पास रोहित जी को चर्चा में। कितने धरना कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, आंदोलन कर दिया, पूरा परिवार जेल में चला गया, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, क्या कर लिया अखिलेश यादव ने उनके लिए जरा बताइए ना। हाँ। उनको तो मिलने तक नहीं जाते, वो चुनाव का टाइम आता है तो बस वो आ जाता, बरसाती मेंढक क्यों अभी। आज भी आजम खान साहब को बोलना पड़ा कि मैं ये रामपुर का इलेक्शन में उसका बहिष्कार करते हैं, क्यों नाराजगी दिखानी पड़ी, क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते उनके लिए, आपका प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आप जितनी चाहे उतनी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर लें, अरे वो तो दूसरे भी लड़ रहे हैं, मगर किस तरह समर्थन का सपोर्ट कर रहे हैं देखिए, और इस तरह आप लोग देखिए क्या समर्थन कर रहे हैं आजम खान का, सुबह कभी पूरे नहीं होंगे। अच्छा चले ठीक है, रोहित अग्रवाल जी को चर्चा मिली आती हूँ, अब अभी देखिए आपके साथ ही थे थोड़े दिन पहले तक, तो बखूबी जानेंगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। रोहित अग्रवाल जी, अब देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तो सब पार्टी में होता है और अगर समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? देखिए प्राची जी, बड़ा दुख होता है जब लोकतंत्र में इतना हताश विपक्ष देखने को मिलता है, जब लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के पास कोई रणनीति ना रह गई हो, जब ये देखने को मिलता है। अभी सुनील भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अभी वो बात कर रहे थे पार्टी के हक की, कि समाजवादी पार्टी का हक है कि वो किसको टिकट दे। बिल्कुल सुनील भाई, समाजवादी पार्टी का हक है कि वो किसका टिकट दे और किसको टिकट काटे, परंतु जब एक मुस्लिम सिटिंग सांसद को आप पर्चा भरवा देते हैं और उसके बाद आप बिना उसको बताए हुए, बिना उसको कॉन्फिडेंस में लिए हुए दूसरा कैंडिडेट भेज देते हैं और ये कहते हैं आप कि साहब ये आजम खान साहब ने कहा है इसलिए हम ये कैंडिडेट भेज रहे हैं, तो उसके बाद वो अपमान होता है उस सांसद का, सिटिंग सांसद का, क्योंकि उसकी जनता को उस एक विश्वास था कि साहब हमारे नेता को ये टिकट मिल चुका है, वो पर्चा भरने जा रहा है और पर्चा भर के आ गए और आपने उनका टिकट काट दिया उनसे पूछे बिना। उसके बाद अब देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, आपने कहा आजम खान साहब ने रुचि वीरा को भेजा है, बहुत अच्छी बात है, चलिए आपने आजम खान साहब का सम्मान किया, पर रामपुर में क्या हुआ? रामपुर में हेलीकॉप्टर से सिंबल भिजवाते हैं आप और एक मुस्लिम कैंडिडेट को आप वहां पे प्रत्याशी बनाते हैं जो कि आजम खान साहब की इच्छा के बिना वहां पे वो बन रहा है। तो अब साहब रामपुर जो आपने एसटी हसन साहब का टिकट काटा वो तो आपने आजम खान साहब के सर पे मढ़ दिया, परंतु जो आजम खान साहब के रामपुर के अंदर आपने टिकट काटा वो किसके सर पे मढ़ोगे मेरे भाई?
उसके अंदर क्या होगा, वहां भी दो दो कैंडिडेट उतर गए, एक आजम खान साहब का कैंडिडेट, एक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। तो ये जो हताशा है ये दिखाती है कि समाजवादी पार्टी 5 साल तक मौज मस्ती आनंद लूट रही थी जब वो विपक्ष में थी। भाई आप विपक्ष में थे, सत्ता के पास तो काम था जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना, योजनाएं बनाना, सत्ता तो व्यस्त था। आप क्या कर रहे थे 5 साल तक? आपको हेलीकॉप्टर में कैंडिडेट सुनील सिंह यादव जी, ये क्या अधूरी सी तैयारी है? देखिए सारे सवालों के जवाब आप ही को देने होंगे, सब आप ही से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर खेल आप ही की पार्टी की तरफ से हो रहा है। रामपुर हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, चर्चा गौतम बुद्ध नगर की भी हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है? तैयारी अधूरी सी थी, पहले से नहीं पता था आपको कि किसको उतारना है और किसको नहीं उतारना है? हमारी अगर तैयारी अधूरी होती तो आज राष्ट्रीय लोक दल के 9 MLA नहीं होते। हमारी अगर तैयारी अधूरी होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल के आज राज्यसभा में नहीं होते, क्योंकि हम जिसके साथ गठबंधन करते सुनील हैं भाई, इस तरीके के आरोप लगाना बहुत आसान होता है, परंतु सच्चाई ये है कि अगर राष्ट्रीय करते हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। 111 लेकिन आप लालच में डर के और समझौता करके भाजपा के साथ चले जाइए। सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोल रहे थे रोहित जी, अच्छा सुन लेते हैं, रोहित जी से नहीं बोल रहे थे, सुन लेते हैं रोहित जी, आज के सारे सवालों का जवाब उन्हीं को देना है, सुनने आप बोल दीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ आ गया था, ठीक है रोहित जी, राष्ट्रीय लोकदल के 9 MLA की ताकत थी जो आप तीसरा कैंडिडेट हार गए, तो इसलिए कृपया इस तरीके के तर्क मत दिया करिए जो चुभे हैं, और जो फिर जब उस पर जवाब देना हम शुरू करें तब वो, आपको चुभना वो तो फिर समय बताएगा, जनता बताएगी। रोहित अग्रवाल जी डिबेट में एक दूसरे पर चुभने वाले वार करने के लिए आप सब आते हैं, तो बोल दीजिए एक बार सुनील जी, को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में चौधरी चरण सिंह का चेहरा दिखता है। पूरा जाट समाज ने इस बयान की घोर निंदा की और एक भी समाज इनके साथ नहीं खड़ा है। जिस जो किसान बीजेपी को हराना चाहता है वो आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इंडिया आजम खान साहब के लिए क्या संघर्ष किया वो नहीं बता पा रहे हैं रोहित जी और सुनील सिंह यादव जी। देखिए मैं इस फाइट को समाजवादी वर्सेस राष्ट्रीय लोकदल नहीं बनाना चाहती हूँ। मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा था सुनील सिंह यादव जी कि ये तैयारी अधूरी से क्यों ना मानी जाए। वो सिटिंग सांसद जिसे आखिरी वक्त तक ये यकीन था कि वही होगा कैंडिडेट, अरे कम से कम उन्हें कॉन्फिडेंस में तो लेते ना कि आपका टिकट कट रहा है, हम आपको नहीं चुनाव लड़ा रहे हैं, हम रुचि वीरा को लड़ा रहे हैं, क्या मजबूरी थी ऐसे बताइए। देखिए प्राची जी, जी जी प्राची जी, जी जी जी, जो जानकारी आपको है, बीजेपी प्रवक्ता को है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता को, उससे ज्यादा जानकारी हमारे एसटी हसन साहब को थी। आप लोगों के पास जानकारी नहीं है, उन्होंने लास्ट में कहा ना, आप बाइट सुनिए उनकी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आखिरी तक लड़ाना चाहते थे, इसका मतलब बातचीत तो चल रही होगी। बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए, जिसको प्रत्याशी बना दिया, जिसने नामांकन भर दिया, एवी फार्म लगा दिया, फेर है, आप सुनना वो चाहते हैं जो आपके कानों को अच्छा लगे। तैयारी की बात है साहब, एक मिनट सुनील जी, एक मिनट सुनील जी, एक मिनट, आपने जानकारी पर प्रश्न किया तो थोड़ी सी जानकारी आपकी भी दुरुस्त कर देती हूं। जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या थी, आप सुनिए ना सुनील जी, देखिए एसटी हसन साहब तो ये कह रहे हैं कि आखिरी वक्त तक उनको यकीन था वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अध्यक्ष जी उनके साथ थे, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया आपने उनको, ये तो साफ झलक रहा है। और आप कह रहे हैं जानकारी बात क्या नहीं हो है। सकती है नहीं, आप लोगों की जानकारी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, एसटी हसन साहब को आखिरी वक्त तक आप नहीं बता पा रहे थे, बिल्कुल दो बात अलग है। सुनील सिंह यादव जी अपनी पार्टी के अंदर अंतर कला को आप छुपाने के लिए किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। चर्चा करनी थी और आपको भागना है उससे, आपको पर्सनल अटैक करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत स्वागत है आपका सुनील सिंह यादव जी, कम से कम अपने सांसद साहब के बयानों पर तो बोल देते, बोलिए आपके एजेंडे से भागना, बिल्कुल भाग रहे हैं आप, हमको बिल्कुल नहीं भागना, मैंने नहीं कहा ये, आपके सांसद साहब ने कहा और हम भागने वाले लोग, मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा, बार बार चला रही हूँ स्क्रीन पर, तो समझ में आ जाएगा, बार बार चला रही हूँ स्क्रीन पर, कह रहे हैं मेरे साथ साजिश हुई, बाहरी लोगों ने मेरे साथ साजिश की, मेरे हाथ में लेटर नहीं आने दिया,
साजिश आखिरी किसने वक्त की? तक उनको उम्मीद थी कि वो पार्टी के उम्मीदवार खिलाफ तो बनेंगे, नहीं बोल रहे तो ना, मेरी जानकारी हमारे पर। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं? तो यानी पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं? अभी मैं तो आप फिर कहते हैं कि लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं की चलती है। सुनील सिंह यादव जी पहले सुने, पूरी ताकत के सुनील सिंह यादव जी पहले सुने, दोनों एक साथ बोलेंगे चर्चा में कुछ नहीं हो पाएगा। आप सुने सर, आप अपने बयान को खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पहले आप कहते हैं कि हमारे अंदर लोकतंत्र है, हम कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे पार्टी अध्यक्ष जो हैं उनके फैसले को सब मानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हैं आप, क्या समझाना चाहते हैं मुझे? मेरी जानकारी दुरुस्त करने से अच्छा अपनी पहले कर लीजिए। कहना यही चाहते और एक हैं लाइन कि में उत्तर प्रदेश क्लियर कर लीजिए कि आपका कहने का मकसद क्या है। को हम हरा रहे हैं त्रिपाठी जी, कहना यही चाहते हैं कि एजेंडे कुछ भी चल रहे, जनता के बीच अब एजेंडा नहीं चल रहा। एस टी हसन साहब तो आप ही के सांसद हैं, उनको समझाइए कि एजेंडा मत चलाइए। एस टी हसन साहब को समझा दीजिए। बोलिए त्रिपाठी जी, हम तो कह रहे हैं कि आप कृपया करिए, अरे बिल्कुल नहीं समझाइए मुझे, मुझे जरूरत ही नहीं है। आप पहले कंफ्यूजन दूर करिए अपनी पार्टी के अंदर, उसके बाद मुझे समझाइएगा बेहतर होगा। सुनील सिंह यादव जी, आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये नब्ज पहले टटोल लीजिए, उसके बाद मुझे समझाइएगा, पूरा ज्ञान लूंगी आपसे बैठकर। बोलिए त्रिपाठी जी, नहीं देखिए प्राथमिक मुझे लगता है आप रुक जाइए सुनील जी प्लीज, आप रुक जाइए रुक जाइए। अगर हम बोले ना बोले तो भी जनता त्रिपाठी जी क्या चल रहा है। सुनिए देखिए देखिए, ये जो बात आज एसटी हसन साहब कह रहे हैं, आज जो बात आजम खान कह रहे हैं, दरअसल वो इस देश के और प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं। और ये जो कि इनको समझ में आ गया है, अभी आजमगढ़ का बाई इलेक्शन हुआ, आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में इन्होंने धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव लड़ाया, वहां पर कितने मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जरा सुनील जी से पूछ के बता दीजिए। इनके कैंडिडेट बुरी तरह हारे वहां पर चुनाव, क्योंकि मुस्लिम समाज वही बात कह रहा है जो बात आज एस टी हसन साहब कह रहे हैं, जो बात आजम खान कह रहा है। और ये लोगों ने देखा है कि जब 2012 से लेकर 2017 तक की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 400 दंगे हुए, उन दंगों में कौन लोग मारे गए, उन दंगों का शिकार कौन रहा, क्या रहा मुस्लिम समाज के साथ और क्या रहा जाट समाज के साथ, आज ये कहते हैं जाट समाज ऐसा सोच रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना ज्यादा इस्तेमाल मुस्लिम समाज का हुआ है केवल वोट लेने के लिए, उनको डरा के कि भाजपा से बचो, भाजपा आएगी तो ये कर देगी, भाजपा आएगी तो वो कर देगी, आज मुस्लिम समाज को समझ में आ रहा है कि भाजपा अगर आई है तो मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, माताओं बहनों को उज्ज्वला मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, आज सबको आयुष्मान मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं होता है, आज सबके साथ किसान सम्मान निधि मिल रही है, कोई भेदभाव नहीं होता, गरीब कन्याओं की शादी मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई पूछता नहीं कि आप हिंदू है कि मुसलमान है। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के साथ जो मोहभंग हुआ है मुस्लिम समाज का, उसी बात को एस टी हसन साहब खुलकर कह रहे हैं, आजम खान साहब चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं। तो ये जो दम्ब पाले बैठी है समाजवादी पार्टी, जो मुसलमानों के वोट की ठेकेदार है, वो दम्ब आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में टूटा, इनका बुरी तरह चुनाव हारे, मुस्लिम समाज ने इनको डिस्कार्ड किया, इनको वोट नहीं दिया। आप आगे चल के देखिएगा इस चुनाव में इससे बुरी हालत होने जा रही है। ठीक है वारिस पठान जी, आप तो देखिए दोनों पर हमलावर रहते हैं, मैं आऊंगी फिर सुनील जी आपके पास आऊंगी। वारिस पठान जी, आप तो दोनों पर हमलावर रहते हैं, आपके लिहाज से तो एक मिनट ले लूं आपका, बहुत जल्दी से सुनील जी, फिर वारिस पठान जी को लाऊंगी चर्चा में। बोलिए देखिए प्राची जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं केवल ये कहूंगा कि आजमगढ़ का चुनाव हुए कितना समय हो गया और घोसी के चुनाव हुए कितना समय हो गया, जो लेटेस्ट चुनाव हुआ वो घोसी का हुआ और घोसी में पिछड़े दलित मुसलमान अगड़े सबने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। तो जो घोसी में हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो 80 के 80 लोकसभाओं में होने जा रहा है 4 जून को, आप रिजल्ट देख लीजिएगा। पारस पठान जी देखिए, वो तो आशा अभी पूरी लगाकर बैठे हैं सुनील जी भी और शलभमणि त्रिपाठी जी, दोनों ही दावा कर रहे हैं मुसलमानों के हितैषी हैं हम, सर्वधर्म की बात शलभमणि त्रिपाठी जी कर रहे हैं, सुनील सिंह यादव जी कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अब कौन बनेगा रहनुमा मुसलमानों का, जैसा आपने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि सिर्फ काम दरी बिछाने जैसा तो नहीं है ना मुसलमानों का। देखिए प्राची जी, हमारे लिए तो एक तरफ ये एनडी है जिसमें बीजेपी है, और दूसरी तरफ ये पूरे जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियों का जो एक महाविका इंडिया अलायंस बन गया है वो है। हम तो ना बीजेपी का हिस्सा या तो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो मंशा इरादा एम इंटेंशन एक ही है कि हम चाहते हैं किसी भी तरह बीजेपी हारे और तीसरी मरतबा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने। इस तरफ आई इंडिया अलायंस है, इनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, इन्होंने अपने आप को एक सेकुलर दल घोषित कर दिया। मगर मैं सवाल करना चाहता हूं कि जिस दल के अंदर असद ओवैसी ना हो वो दल सेकुलर हो ही कैसे सकता है, क्योंकि वाहिद आदमी है जो बीजेपी से लड़ता है, वाहिद आदमी है जो बाबरी ट्रिपल तलाक हो जाए हर इशू के ऊपर वो तो आवाज उठाते, इनके मुंह में तो बाबरी का नाम भी नहीं आता।
मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर देते तो ये तो आवाज भी नहीं उठाते, इनको तो अपने उसकी फिक्र पड़ जाती है कि हमारा एच वोट चला जाएगा, अब तो एम वाई से भी हटा दिया, इनके लिए मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बन के रहेगा, हमको वोट दो हम आपका वोट लेंगे, हम सत्ता की कुर्सी में बैठेंगे, सत्ता की मलाई हम खाएंगे, आपको सिर्फ दरी बिछाना है, तो इसलिए हमको भी हिस्सा नहीं बनाते ना ये, क्यों नहीं बनाते हमको हिस्सा, क्योंकि हम हक इंसाफ की बात करते हैं, हम मुसलमान दलितों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमानों का दलित भाइयों का सिख ईसाइयों का भी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, उनको भी हिस्सा मिले सियासत में, वो भी आगे बढ़े, ये वो नहीं चाहते, इसलिए हमको साथ में नहीं लेते ये लोग, और इनको कोई वोट नहीं देता, फिर तो हम पे इल्जाम लगा दे बी टीम का, डी टीम का, सी टीम का, अमरोहा में गठबंधन का मुस्लिम कैंडिडेट है, इन सीटों पर भी तो गौर करेंगे ना आप, हां एसटी हसन साहब का टिकट कटा है तो एक टिकट कटने से ही मुस्लिम विरोधी हो गए, मुरादाबाद, मेरठ में आपको पता है प्राची जी कितने सारे मुसलमान है भर भर के, वहां का मेरठ का पूरा समाजवादी का जो कैडर है ना नाराज हो गया है, वो भी ये तो आपने बताया ही नहीं आपके देखने वालों को, बताइए मुझे अखिलेश ने वहां पे किसको टिकट दे दिया, मायावती बहन जी ने किसको टिकट दे दिया, और बीजेपी से तो उम्मीद ही नहीं है, तो वहां का जो मुसलमान तबका है वो कहां जाएगा, अब अगर हम कुछ जाएंगे तो बोलेंगे देखा आ गया बीजेपी को जिताने के लिए, अरे तो भाई तुम दो ना, तुम जिताओ ना, मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करो ना, उनको भी आगे लाओ सियासत में हिस्सा दो, क्यों नहीं देते आप लोग, क्या प्रॉब्लम है आपको, मुसलमान नाम से क्यों नफरत है आपको, क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े, आपकी सियासत को खतरा है आपको लग रहा है क्या, नहीं दो ना, 100% वोट दे रहे ना मुसलमान आपको, इस उम्मीद के सहारे दे रहे हैं कि आप उसके काम आओगे, आप उसको आगे बढ़ाओगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, उसकी आवाज बनोगे, मगर टोटल फेल होते जा रहे हो आप लोग, इसीलिए 14, 17, 19, 22 हारे, अब 24 के अंदर अल्लाह मालिक है क्या होगा पता नहीं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी हारे, अब आपको अगर हराना है सीरियसली, देखिए प्राची वापस बोल रहा हूँ, मुंबई से बैठ करके मुसलमानों को इग्नोर किए बिना सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और राजनीतिक मैं इनको भेज दूंगा, इनसे कहिए कि इनसे पूछिए जरा कि कैराना कौन लड़ रहा है, सहारनपुर कौन लड़ रहा है, अमरोहा कौन लड़ रहा है, परसेंटेज कितना है पूरे यूपी में, और देख कितने लोगों को एहसान कर रहे हो, वही बात एहसान कर रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करे, अरे एहसान आपका एहसान मुसलमानों को आपने कैराना में दिया, एहसान मानते आप, एहसान कर रहे हो आप मुसलमानों पे, अरे आप कौन हो, एहसान कर रहे हो आप, अरे उनके बदौलत आप कुर्सी में बैठे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे आप, मुसलमानों की वोटों के बदौलत आपको कुर्सी मिली इतने वर्षों में, कोई एहसान नहीं है आपका, मगर आप एहसान एहसान फरा बोल के साथ है, आप कितना भी चिल्ला ले बीजेपी की मदद नहीं होने जा रही है, कुछ भी कर ले कितने भी जाप कर ले, आप कर रहे हो बीजेपी की मदद, आप बीजेपी की मदद कर रहे हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों रीत से, उत्तर प्रदेश से हार बोल रहा हूं, आप 4 जून को अपना सीना पीट करके रो लीजिएगा, गम मना लीजिएगा कि भाजपा हार गई, मोदी जी हट गए, अब आप लोगों का कौन बनेगा, ये तो ऊपर वाले को पता है, हमारी मंशा मकसद है कि बीजेपी को हराना है, संविधान बचने जा रहा है, पिछड़े मिल गए जाके बीजेपी को क्या करेंगे, मुसलमानों का हक अधिकार बचने जा रहा है, उसकी लड़ाई है। अच्छा सुनील सिंह जी, जब इतना सब कुछ क्लियर है और आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं, तो लड़ाई में मुसलमान हिस्सेदार है या नहीं, एक मिनट वारिस पठान जी एक सवाल का जवाब दूं, देखिए सुनील सिंह यादव जी नाराज मत होइएगा और पर्सनल अटैक तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो दिख रहा है उसी पर सवाल कर रही हूं, नहीं नहीं और उस पर मैं सवाल करती रहूंगी आपसे, तो आपका क्या कर लेंगे, देखिए आप जितना भी मुझे टोकते रहे मुझ पर, जितना भी पर्सनल हो जाए मैं सवाल तो करती रहूंगी, क्योंकि मुझे एसटी हसन साहब के बयान भी नजर आ रहा है और मेरठ में क्या हो रहा है मुझे वो भी नजर आ रहा है, और जो कुछ अमरोहा में हुआ दानिश अली जी के सभा में मुझे वो भी नजर आ रहा है, अब बताइए ये तैयारी है आप लोगों की कि वहां उम्मीदवार आपके गठबंधन का सभा कर रहा है और वहां पर आपस में लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, देखिए राजनीति में प्राची जी कहीं कोई घटना या कोई जान के या कोई साजिश के तहत कर दे तो उसको आधार इसलिए नहीं मानना चाहिए, लड़ाई बड़ी है और उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े मन से गठबंधन किए हैं और बड़े मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, और भाजपा हालांकि हार रही, लोगों में बहुत विरोध है, किसान बहुत परेशान है, गरीब बहुत परेशान है, बेरोजगार नौजवान किसी जाति धर्म और गांव का शहर का कहीं का हो वो ठगा महसूस कर रहा है, सबके सपनों के साथ भाजपा ने खेला है, तो जब सबके सपने टूटे हैं तो 400 पार
का सपना देखने वालों का भी सपना इस मुसलमानों के साथ दोनों ने मिलकर खेला है। लेकिन मुसलमान तो गाना गा रहा है, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। ये तो मुसलमान देश का आज बोल रहा है, ये राज में हो गया, मोदी के राज में और आप लोगों के राज में बेड़ा गर्क हो गया, खिलौना बन गया खिलौना। अच्छा, लेकिन सुनील सिंह यादव जी, फिर आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। कभी कहते हैं बड़ी स्ट्रांग पार्टी है आपकी, लोकतंत्र बड़ा स्ट्रांग है आपकी पार्टी का, और कभी कहते हैं साजिश हो जाती है। डिसाइड कर लीजिए, स्ट्रांग है या साजिश हो रही है। साजिश हो रही है तो थोड़ा दुरुस्त करिए अपने लोकतंत्र को कि कैसे साजिश हो रही है। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जो घटनाएं आपने बताई हैं, उन घटनाओं में कहीं किसी की नाराजगी हो सकती, कहीं किसी की साजिश हो सकती है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसा मत सोचिएगा। मैं तो कह ही नहीं रही सर, बड़ी लड़ाई है, बड़े मन से हम लोग लड़ रहे हैं सुनील सिंह यादव और जी, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। कि बीजेपी जीत रही है या आपके इस अंतर कलह से बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपके अंदर क्या चल रहा है ये जानना चाह रही थी, सिर्फ। मैंने नहीं कहा एक बार भी। अब शलभ मणि त्रिपाठी जी, नहीं वो तो हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, आप तो खुद बुद्धिजीवी हैं, आप खुद जानती हैं, बोले ना बोले। मैं जानती हूं सुनील सिंह यादव जी, इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप भी लेकिन बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, उसी मुद्दे पर नहीं आएंगे जिस मुद्दे पर मैं जवाब जानना चाह रही हूं। बोलिए त्रिपाठी जी। प्राची जी, सपने देखने का अधिकार हर किसी, चाहे हमारे पठान साहब हो, चाहे हमारे सुनील यादव जी हो, कोई भी हो, सपने देखने का अधिकार सभी को है। लेकिन जो लोग, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हमेशा अराजकता की, हमेशा भ्रष्टाचार किया, और एक परिवार का जो आतंक रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बार बार इनका सपना तोड़ा है, चाहे वो 2014 रहा हो, चाहे वो 2019 रहा हो। 2014 में जब ये चले तो इनोवा पार्टी में तब्दील हो गए थे, और 2019 में आते आते ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गए। सब मिलकर लड़े थे, महागठबंधन बना था, खूब ढोल पीटा था कि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जाके बहन जी के चरणों में हम सबने देखा था कि किस प्रकार से पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी लेटी थी। उसके बावजूद क्या हुआ कि आप ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गए। मुश्किल से 3-4 MP आपके अभी आज की तारीख में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उनको किनके साथ खड़ा होना है। ये पूरा का पूरा चुनाव, ये गरीबों के कल्याण के साथ साथ, जन कल्याण के साथ साथ, देश के वफादारों बनाम देश के गद्दारों का चुनाव। कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो 370 का मस्ता रहा हो, कौन सनातन के साथ खड़ा है, कौन सनातन के खिलाफ खड़ा है, कौन चाहे भगवान राम मंदिर का मस्ता रहा हो। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का कुशासन देखा है कि कैसे इनकी सरकारों में अराजकता होती थी, दंगे होते थे, ये तमाम सारे जो माफिया डॉन है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम सारे डॉन। लेकिन त्रिपाठी जी, अभी गद्दार और देशद्रोही और देश प्रेमी कौन है, ये तय करने वाले आप तो नहीं होते है ना। अगर विपक्ष में सुनील सिंह यादव जी हैं और वो ताल ठोक रहे हैं, तो ये आप लोग तो नहीं लाइसेंस दे सकते ना कि कौन गद्दार है, कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है। प्राची जी, जनता तय करेगी, और उसका लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट कैसे होता है कि जब धारा 370 हटती है तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, 370 दोबारा से लागू करो। तो हम नहीं कहते, उस पर भी जनमत होता है, उस पर भी जनादेश आता है, उस पर भी जनता वोट करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जन कल्याण के साथ साथ, गरीब कल्याण के साथ साथ, महिला और किसान कल्याण के साथ साथ, ये देश के वफादार बनाम देश के गद्दारों का भी चुनाव होगा, भगवान राम के विरोधियों और भगवान राम के भक्तों का भी चुनाव होगा, और ये देश की जनता, प्रदेश की जनता उसका हिसाब करेगी। मैं आ रही हूँ रोहित जी आपके पास, लेकिन उससे पहले वारिस पठान जी, इस बात का जवाब दीजिए जो शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं, फिर आ रही हूँ सुनील जी आपके पास। देखिए शलभ मणि त्रिपाठी जी की मैं सारी बातें सुन रहा था, कल मैंने योगी के बयान को भी सुना, उनको पता है संविधान की शपथ लेकर बने हैं चीफ मिनिस्टर, और बात कर रहे थे मथुरा की, उनको पता है मैटर सब जुडिस से कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, फिर भी इस तरह की बात करना पोलराइज करने के लिए। शलभ मणि त्रिपाठी ने एक भी बार एक कहा कि हम विकास के लिए जीत रहे हैं, या हम डेवलपमेंट का काम करने के लिए आ रहे हैं, या हम बेरोजगार जो हो गया युवा उसको रोजगार देने के लिए आ रहे हैं। अभी तो इंडेक्स ये आया है कि देश का 83% युवा बेरोजगार हो गया है, इससे बड़ा मोदी की गारंटी और 6 दिनों का सबूत क्या चाहिए शलभ मणि त्रिपाठी जी आपको? तो यही देना चाहते हो क्या आने वाले दिनों में लोगों को भी? तो किस तरह से फिर आप वोट की बात करोगे? और आप बस ये मंदिर, यही मोदी की गारंटी, झूठी झूठी जुमलेबाजी, इसी के ऊपर बस अपना चुनाव लड़ोगे? और हम तो बोल रहे ना कि हमारे लिए एक तरफ तो प्राची जी खुला दुश्मन है, मगर जो छुपा हुआ दुश्मन है वो भी पूरा देश का मुसलमान देख रहा है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट तो लेता है मुसलमानों के, मगर पीठ में गप
खंजर है, खुले भोंकने हुए में दुश्मन पीछे और नहीं छुपे हुए हटता, दुश्मन दोनों से आज जवाब हुआ दूंगी। इस पहले केस त्रिपाठी के जी आप साथ, छोटा सा ये जवाब कोई दीजिए, फिर मामूली सुनील घटना जी नहीं आपके है, पास आऊंगी। रोजी सोची आपके पास समझी क्या? साजिश का नतीजा है, टिकट काटा पत्ता काट दिया, बेवकूफ बना दिया उनको, ये है इनका असली चेहरा, अब रुक ये असली रूप। हाँ, गिरगिट जल्दी बदलता, ये लोग 14 से ज्यादा बदल सकते हैं। प्राची जी, जब आपकी इस पूरी डिबेट में बाबरी का मुद्दा लेकर कौन आया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर था और भगवान राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। आपकी इस पूरी डिबेट में बाबरी का मुद्दा लेकर आया वारिस भटकर, और जब मैं राम मंदिर की बात करता हूं तो देखिए कैसे मिर्ची काटती है। और रही रही बात वारिस साहब, तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, ये कोई अदालत कैसे तय कर सकती है? ये तो हजारों सालों से, जब ये इस देश के संविधान कानून तमाम सारी चीजें नहीं बनी थी, हजारों सालों से हम सब जानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। और योगी जी ने वही बात कही है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो आप सवाल पूछते थे तारीख का बताएंगे, तो डंके की चोट पे 22 जनवरी की तारीख ही बता दी। और अब तो ठीक है, मथुरा की बारी है, अब जो विकास कार्य मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, बाबा विश्वनाथ में हुए, अदालत पर विश्वास रखो। आप इस तथ्य से क्यों गुमराह? पॉलिटिक्स मनमाना पॉलिटिक्स पर देश नहीं चलता, मथुरा संविधान से लेकर जा रही हूँ मैं इस वक्त। वारिस पठान जी, आपने जो एक मुद्दा उठाया उस पर सुनील सिंह यादव जी का जवाब ले लूं, फिर रोहित जी आपके पास आऊंगी। सुनील जी, छुपा हुआ दुश्मन कह रहे हैं अब तो वारिस पठान जी, मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंका है और पूरा पूरा इशारा आप लोगों की तरफ है, खुलकर नाम ले रहे हैं वो तो। देखिए प्राची जी, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी से है तो मैं पहले बीजेपी का जवाब दे दूं। दो बातें कही हैं सलभ जी ने, एक तो कहा भ्रष्टाचार, और कौन लोग ये बात कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, जिन्होंने देश का पैसा लेकर के लोगों को भगा दिया, जिन्होंने उद्योगपतियों का हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए, जिन्होंने भर्ती में घोटाला कर लिया, पर्चा लीक में घोटाला कर लिया, प्रधानमंत्री जो गरीब महिलाओं को शादी कराते हैं उनमें घोटाला हो गया, नोटबंदी में घोटाला हो गया, इलेक्ट्रोलर बॉन्ड में घोटाला हो गया, पीएम केयर फंड में घोटाला हो गया, वो लोग घोटाले की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात देशभक्ति की, इनकी देशभक्ति दूसरी तरीके की है। हर भ्रष्टाचारी जो इनके साथ आ जाए वो देशभक्त है, हर बलात्कारी जो इनके साथ आ जाए वो देशभक्त है। बताइए बलात्कारियों को जेल से किसने रिहा कराया? और जिसने कहा था हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, देश बेच कौन रहा है? क्या आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? देश के सारे संसाधनों पर दूसरे का कब्जा होता जा रहा है, सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं, सब कुछ आप अपने उद्योगपति साथी को देते जा रहे हैं जिसके हिस्सेदार हैं। साथ में हूं मैं, ऐसा नहीं है कि दोस्त है, भारतीय जनता पार्टी उसके हिस्सेदार के खिलाफ लड़ने के लिए आप जिस तरीके की पिक्चर दिखा रहे हैं और जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है उस पर जवाब देना था आपको, ये बताना था कि ऐसे लड़िएगा और ऐसे हराइएगा भारतीय जनता पार्टी को। इतनी चिंता है देश की तो कम से कम ये तो डिसाइड कर लीजिए ना कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। छुरा घोपने वाले पर रिएक्ट नहीं किया आपने। लौटूंगी रोहित जी, बहुत देर से कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको, पहले उनके पास चली जाऊं। रोहित अग्रवाल जी, बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में जो सुनील सिंह यादव जी को पता है, उनकी पार्टी को चिंता भी है और इसीलिए उनका पूरा फोकस है एनडीए को रोकना है, उनके विजय रथ को रोकना है। मैं चिंता बताता हूं सुनील जी की। देखिए 2019 में राष्ट्रीय लोकदल सुनील जी की पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आया, तब इस गठबंधन के अंदर बसपा भी थी। सबसे पहले बसपा समाजवादी पार्टी के गठबंधन से दूर हो गई, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन से दूर हो गए, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन से दूर हो गया, उसके बाद पल्लवी पटेल जी इनके गठबंधन से दूर हो गई, सलीम शेरवानी जी इनके गठबंधन से दूर हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनके गठबंधन से दूर हो गए। रिजल्ट क्या निकला कि एसटी हसन साहब से पर्चा भरवाया गया, उसके बाद उनको अपमानित किया गया और उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट उतार दिया गया। रिजल्ट क्या निकला कि समाजवादी पार्टी हेलीकॉप्टर से सिंबल भेज रही है, उसको ये नहीं पता है कि आखिरी डेट कब है चुनाव की। अरे कम से कम वहां पे आपका एक एक सिंबल तो रह सकता था ना, हेलीकॉप्टर से सिंबल भेजने का क्या मतलब था? मतलब यही था कि हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतारो और हेलीकॉप्टर से सिंबल भेजो, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी वाले अपनों के साथ ही धोखा करने का काम करते हैं। अब देखिए इनको छोटा सा जवाब जानना चाह रही हूँ सुनील सिंह यादव जी आपसे, छुरा भोंका है क्या आप लोगों ने मुसलमानों की पीठ पर? जी सुनील सिंह, नहीं अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरे खाएगा। दुश्मन को भी छुरा नहीं भोकते, अपने भाइयों पे कैसे छुरा भोकेंगे? एक बात।
और जहां तक बात है गठबंधन की, कर दिया गठबंधन होते एस टी हैं, हमारे हसन नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा आजम खान लोग हमसे मीरठ उम्मीद करते हैं, जगह का हम उनको उतना नहीं दे सकते क्योंकि विपक्ष में है। अब राज्यसभा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब क्या चाहते हो? हम तो साथ दे रहे थे, दो पे तैयार हो गए। तो इनके हिसाब से लोग हिस्सेदारी क्या चाहते हैं? हिस्सेदारी चाहते हैं और दो अंक बड़ा, हमारा भी मुस्लिमों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते हैं। अच्छा, मेरे पास समय बस इतना ही था। रोहित जी, वारिस जी, सुनील जी, शलभमणि त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।